में सनावत ओंकारेश्वर रोड रेल खंड को गैस कन्वर्जन के लिए 1 सितंबर से बंद करने का ऐलान किया है। अब महू सनावत के बीच चल रही तीनों पैसेंजर ट्रेन सनावत के बजाय ओंकारेश्वर रोड रेलवे स्टेशन तक ही चलाई जाएगी। गेज कन्वर्जन प्रोजेक्ट के तहत सनावत में नया स्टेशन और प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। जल्दी रेलवे सनावत ओंकारेश्वर के बीच बड़ी लाइन के हिसाब से अर्थ वर्क और पुल पुलियाओं के चौड़ीकरण का काम भी शुरू करेगा। पश्चिम रेलवे के रतलाम रेल मंडल ने रेलवे बोर्ड को लगभग 5 किलोमीटर लंबे सनावत ओंकारेश्वर सेक्शन को बंद करने की अनुमति मांगी थी, जो मिल गई है। इसके बाद पश्चिम रेलवे ने 1 सितंबर से यह हिस्सा बंद करने का फैसला लिया है। अभी इस मीटर गेज सेक्शन में 3 पैसेंजर ट्रेन चलाई जा रही है, जो अब सनावत के बजाय ओंकारेश्वर रोड तक चला करेंगी। रेलवे ने तीनों ट्रेनों की नई समय सारणी जारी की है। वेस्टर्न रेलवे पे हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो रतलाम डिवीजन के अंदर गेज कन्वर्जन चल रहा है मेन, तो जो रतलाम से लेके खंडवा के बीच में है। और हमारा जो लास्ट चौथे फेज का काम कंप्लीट होने जा रहा है, जो खंडवा से लेके सनावत के बीच है, उस कारण हमारे जो डॉक्टर अम्बेडकर नगर से सनावत के बीच जो गाड़ी चलती थी, उसको हम लोग अब डॉक्टर अम्बेडकर नगर से ओंकारेश्वर के लिए ही चलाएंगे। और ओंकारेश्वर से सनावत के लिए ये गाड़ी, ये जो रूट है वो बंद हो जाएगा 1 सितंबर से। तो ये जो, क्योंकि सनावत तक जो बड़ी लाइन का काम लगभग 95% तक पूरा हो गया है, 1-2 महीने के अंदर हम उसे फाइनल करके और बड़ी लाइन में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये कुल मिला के इसके कारण हम जो डॉक्टर अम्बेडकर नगर से 3 फेरे गाड़ियाँ चलती हैं, वो अब ओंकारेश्वर तक जाएंगी और वापसी में वहाँ से आएंगी।